हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माय बेटी किचन डायरीज में आपका स्वागत है और आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ सूजी की खीर की रेसिपी। अब तक हम चावल की खीर बनाते थे, आज मैं थोड़ा न्यू ट्राई करने जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे सूजी ली है और कुंडे भी आने वाले हैं, तो आप कुंडों पे ये वाली खीर ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक कटोरी सूजी ली है, थोड़े से दाल मखाने लिए हैं, ड्राई फ्रूट्स लिए हैं कुछ, हमने नारियल लिया है जिसे हमने काट लिया है, छुआरे लिए हैं जिसे काट लिया है, किशमिश ली है, बादाम लिए हैं, काजू लिए हैं और दालचीनी ली है। और ये तो हाफ हाफ कटोरी लिया है हमने, ज़्यादा नहीं लिया है कुछ भी, ये कटोरी ली है और ये सारा हाफ लिया है मटेरियल हमने इस कटोरी का। और यहाँ पे हमने 1 लीटर दूध लिया है और यहाँ पे हमने एक कढ़ाई रख दी है और सबसे पहले इसमें हम घी ऐड करेंगे और सबसे पहले इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे। थोड़ा सा हम सॉटे कर लेंगे ड्राई फ्रूट्स को और इसको हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही सॉटे करना है। और किशमिश भी हम डाल देंगे, अच्छे से सॉटे कर लेंगे और ड्राई फ्रूट्स को हम निकाल लेंगे। और दाल मखाने यहाँ पे हम फ्राई नहीं करेंगे तो उसी पे निकाल लेते हैं। और अब सूजी डाल देंगे और सॉटे कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे सूजी को। और सूजी डाल दी है यहाँ पे और सूजी को हम थोड़ा सा सेक लेंगे, ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है जैसे हम हलवा बनाने के लिए करते हैं, बस थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। और ये सूजी भी भून गई है, अब इसको भी निकाल लेते हैं। और इसी में अब हम दूध डाल देंगे जो हमने मिल्क ले रखा था। और यहाँ पे मैंने कुक्ड दूध यूज़ किया है और यहाँ पे ये हमने निकाल ली है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 चम्मच होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, छोटी सी कटोरी ली है और ज़्यादा हमें नहीं लेनी है सूजी। और दूध को भी अब हम अच्छे से बॉईल होने देते हैं, फिर आगे की तैयारी करेंगे। तो इसे थोड़ा सा स्टिर कर लेंगे बीच बीच में और इसको बॉईल कर लेंगे। और यहाँ पे दूध अच्छे से बॉईल हो चुका है और इतना कुक किया है कि ये हाफ क्वांटिटी में बचे, तो देख सकते हैं आप, पहले ये थोड़ा फुल था और ये अब हाफ क्वांटिटी बची है। और हमने जितनी सूजी ली है उतनी चीनी ली है, चीनी डाल देंगे और आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालें, जितना मीठा आपको पसंद है तो उस हिसाब से आप चीनी डाल सकते हैं। तो हमें ज़्यादा मीठा भी नहीं पसंद है और ज़्यादा फीका भी नहीं, तो हमने शुगर उतनी ही ली जितनी सूजी ली थी उसी कटोरी के नाप के लिए। और शुगर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे थोड़े से दूध में हमने सूजी को घोल लिया था और ये हम घोल के डालेंगे ताकि लम्प्स ना पड़े, ऐसे डालने से लम्प्स पड़ने की वो रहती है। तो आप डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे फटाफट ताकि लम्प्स ना पड़े और अच्छे से हम चला देंगे। और इसमें हम ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देंगे सारे। और इसे 5 मिनट तक और कुक करेंगे, फिर ये हमारी खीर गाढ़ी हो जाएगी और ये रेडी हो जाएगी। अब बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है, बहुत इजी खीर की रेसिपी है ये, आप इसे ट्राई कर सकते हैं किसी भी फंक्शन में, ओकेजन पे, किसी भी फेस्टिवल पे, बहुत आसान रहती है। और इसमें थोड़ा सा खोया डालेंगे जो हमने भून के रखा था, तो खोया भी डाल देते हैं। और बहुत ही ईजी रेसिपी है ये, अगर आप किसी फेस्टिवल में बनाना चाहते हैं तीज त्यौहार पे और आपको ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, तो आप ये झटपट से रेसिपी बना सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और कम इंग्रेडिएंट्स पे फटाफट से झटपट से तैयार हो जाएगी अच्छी सी रेसिपी। और ये खीर बनकर तैयार है, अब हम इसको गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और फिर सर्व करते हैं। और यहाँ पे हमने खीर को डिश आउट कर लिया है और बहुत ही यमी सी रेसिपी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, किसी भी तीज त्यौहार पे या फेस्टिवल पे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं आप इसको झटपट। और कुंडे भी आ रहे हैं तो कुंडों पे भी आप ट्राई कर सकते हैं, कुंडों के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। और खीर तो हम बनाते ही हैं खीर पूरी, तो आप चावल की नहीं तो सूजी की भी बना सकते हैं और ये झटपट भी बन जाएगी, तो लागत भी कम लगेगी और मेहनत भी कम लगेगी और फटाफट से रेसिपी तैयार हो जाएगी। और ऐसी मज़ेदार वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक अल्लाह हाफिज़।